हाई एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज करेंगे इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 3D। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने आपको टेस्ट में दिए थे, उन टेस्ट वाले क्वेश्चंस की ये सॉल्यूशन जो है उनकी वीडियो है। तो स्टार्ट करो फर्स्ट क्वेश्चन से। लेट पी वी एनी प्लेन पास पी वी एनी पॉइंट विच प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस दिस दिस। अच्छा, पी आपके पास कोई भी प्लेन है जो तीन पॉइंट से पास कर रहा है, उसकी इक्वेशन आपने बनानी है। आर हमारे पास ये कोई पॉइंट है और हमें इमेज ऑफ आर फाइंड आउट करनी है प्लेन के अंदर। तो क्वेश्चन समझ लो, सबसे पहले इमेज ऑफ आर निकालनी है, यानी आर आपके पास कोई पॉइंट है और ये आपके पास कोई प्लेन है। आर पॉइंट की इमेज प्लेन में देखोगे तो इमेज आपको कहीं यहाँ नज़र आएगी। ठीक है, आपने इस इमेज को फाइंड आउट करना है, ये है इमेज ऑफ आर, और इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर बात? ये आर पॉइंट है। आर हमारे पास क्या है, 2, 1 और 6। इसकी इमेज जो है प्लेन के अंदर देख ली तो वो है अल्फा, बीटा, गामा। फॉर्मूला क्या कहता था कि अगर प्लेन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 है और आप किसी पॉइंट की इमेज निकाल रहे हो, तो वो इमेज फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा माइनस जो भी आपके पास यहाँ पॉइंट बनता था इसके साथ अल्फा माइनस 2 अपॉन में डायरेक्शन रेशोज, इसकी लाइन की डायरेक्शन रेशोज एल एम एन, ये निकाल दो। एल इज इक्वल टू बीटा माइनस 1 अपॉन एम, गामा माइनस 6 अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स। उसके बाद ये जो पॉइंट है जिसकी आप इमेज निकाल रहे हो, इसको प्लेन में पुट करते थे, यानी 2x एक्स वाई जेड की जगह पुट करेंगे तो 2a 1b प्लस 6c प्लस d अपॉन में रूट नहीं आएगा, बिना रूट के एक्स वाई जेड के कोफिशेंट का स्केयर सम, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। बात समझ आ रही है? क्या करना होता था कि अगर कोई पॉइंट गिवन है जिसकी इमेज अल्फा, बीटा, गामा है, इमेज फाइंड आउट करनी है तो पहले ये लाइन की इक्वेशन बना लो। लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते थे कि जो इमेज है ना उस वाले पॉइंट में से गिवन पॉइंट माइनस कर दो और डिवाइड में क्या करते थे, इसकी डायरेक्शन रेशियो यानी नॉर्मल की। तो एल एम एन अगर डायरेक्शन रेशियोज हैं, वैसे यहाँ पे आपके डायरेक्शन रेशियोज कौन सी होती थी, जो आपके नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशियो है यानी ए बी सी, वही यहाँ पे आ जाएगा। एल एम एन की बजाय आपका यहाँ पे ए बी सी भी काम करेगा। ठीक है, क्या काम करेगा, ए बी सी ही काम करेगा, सेम डायरेक्शन रेशियोज होंगी, नॉर्मल टू द प्लेन वाली ही यहाँ यूज़ कर लेना। ठीक है, तो इक्वल टू में बस ये फॉर्मूला है जो मेन आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक तो सेम है जैसे आप इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालते थे कि पासिंग पॉइंट्स की माइनस कर दिया, कोई भी मतलब आप जनरल पॉइंट ले रहे हो, ए बी सी आपका डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड आफ्टर दैट दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपको प्रोसीजर आई थिंक क्लियर हो चुका है कि गिवन पॉइंट का अगर हमें इमेज फाइंड आउट करना है प्लेन के अंदर, ठीक है, तो कैसे करना है, प्लेन की इक्वेशन का पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेन रोल कौन निभा रहा है, ए बी सी, ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज यूज़ होंगी, अल्फा माइनस समथिंग, बीटा माइनस समथिंग, गामा माइनस समथिंग, मतलब ये तो आपके पास पता ही होगा। ठीक है, ए बी सी यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, डी भी आपका कहाँ से निकलेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन से। तो उसके बाद हम इनको इक्वेट कर देंगे, फर्स्ट को और लास्ट को, सेकंड को और लास्ट को, थर्ड को और लास्ट को, वहाँ से अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, दैट इज़ द आंसर। तो क्वेश्चन कहाँ पे उठ रहा है कि प्लेन की इक्वेशन, मेन क्या चाहिए, प्लेन की इक्वेशन। तो ये दिमाग में सेट कर लो कि अगर आपको इमेज ऑफ एनी पॉइंट निकालना है प्लेन के अंदर तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपने सबसे पहले निकालनी है। और उसने क्या कहा है कि जो पी प्लेन है ना वो इन तीन पॉइंट से पास करता है, 1, 2 एंड 3। तो अब इक्वेशन ऑफ प्लेन को याद करो जो तीन पॉइंट से पास करती थी, दैट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, एक्स माइनस पहले पॉइंट के पासिंग पॉइंट 2, वाई माइनस 1, जेड माइनस 0, नीचे क्या आएगा 4 माइनस 2, 1 माइनस 1, 1 माइनस 0, और इधर क्या आएगा 5 माइनस 2, 0 माइनस 1 और 1 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू ये आपका 0 आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, x माइनस 2, y माइनस 1,
z अपॉन में 2 0 1 3 माइनस 1 1 दैट इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 2 ब्रैकेट में दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस, तो ये बनेगा x माइनस 2 0 माइनस माइनस 1 यानी प्लस 1, माइनस का साइन y माइनस 1, फिर ब्रैकेट में यहाँ से जब आप इसको माइनस का ले रहे हैं जैसे y माइनस 1 के आगे मैंने माइनस ले लिया तो क्रॉस आपने यहीं से शुरू करनी है 2 माइनस 3 यानी माइनस 1, फिर प्लस z के साथ क्या आएगा 2 माइनस 1 यानी माइनस 2 और फिर 0, तो यानी माइनस 2 और ये आपका 0। सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ से ये आपका बनेगा x माइनस 2 प्लस y माइनस 1 माइनस 2z दैट इक्वल टू 0, यानी x प्लस y माइनस 2z माइनस 3 दैट इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी प्लेन की इक्वेशन। अब यहाँ इसको इक्वेशन को नोट कर लो, तो प्लेन की जो इक्वेशन है डायरेक्ट मैं वही लिख रही हूँ आंसर जो आया हमारा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये आपके पास आ गई x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है भाई, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। फॉर्मूला ये था, ठीक है, अल्फा बीटा गामा निकालना है, ए बी सी यहाँ से देख के पुट कर दो। ए बी सी क्या होते हैं, x y z के कोफिशियंट्स जनरल फार्मूले से कंपेयर करें, तो इसको रब कर देती हूँ मैं। यहाँ से अल्फा बीटा गामा आपने क्या माने हुए हैं, इमेज ऑफ द पॉइंट, तो जस्ट पुट ऑल दिस। अल्फा माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है भाई 1, बीटा माइनस 1, बी की वैल्यू 1, वाई का कोफिशियंट बी होगा। यहाँ से ए बी सी डायरेक्शन रेशो नॉर्मल टू द प्लेन 1 1 माइनस 2, तो ए बी सी की जगह 1 गामा माइनस 6 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पर भी ए बी सी और डी की वैल्यू पुट कर दो 1 1 माइनस 2, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12, और प्लस डी, डी मतलब आपका माइनस 3 अपॉन में रूट नहीं है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर यानी इनका स्केयर सम 1 + 1 + 4। डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन अल्फा माइनस 2 अपॉन 1, बीटा माइनस 1 अपॉन 1, गामा माइनस 6 अपॉन माइनस 2। इसको सॉल्व कीजिए, ये आएगा माइनस 2 1 3 से 3 कैंसिल, माइनस 12 6 माइनस माइनस प्लस 6 2 12, तो 2 2 ज़ा ये सारा सॉल्व करके बनेगा आपका 4, ठीक है भाई। तो यहाँ से अब आप इसको सॉल्व करो, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 2 उधर गया प्लस 2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 4 + 2 यानी 6, बीटा की वैल्यू आ गई 4 + 1 यानी 5, और इसकी गामा की वैल्यू आ जाएगी -8 + 6 यानी -2, तो आपका जो पॉइंट आ रहा है वो है 6 5 और -2, सो दैट इज़ द आंसर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये हो गया आपका आंसर, आई थिंक क्लियर हो गया। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ द पॉइंट 2 1 6, तो समझ आ गई बात कि हमने क्या करना है, पॉइंट जिसकी इमेज निकालनी है उसके बाद इमेज ऑफ द पॉइंट सपोज कर लो अल्फा बीटा गामा। मेन पर्पस क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन का होना, प्लेन की इक्वेशन बना लो, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन आते ही वहाँ पे मेन क्या चाहिए आपको, ए बी सी डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, क्योंकि ये जो लाइन बनेगी वो प्लेन के ऊपर नॉर्मल है, तो इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशो है वो कौन सी होंगी जो आपकी प्लेन की है, यानी ये ए बी सी। फॉर्मूला क्या कहता है कि माइनस 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट की जो मल्टीप्लीकेशन है वो इसकी डायरेक्शन रेशोज के साथ हो रही हैं, ए बी सी के साथ, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे 2 a + 1 b + 6 c + d / ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर का सम, रूट नहीं लगाना, बस ये ध्यान रखना इमेज ऑफ पॉइंट में। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है दो लाइंस के बीच में, तो इस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ होगा। दो लाइंस की इक्वेशन चाहे वो कार्टेशियन में हो चाहे वेक्टर में हो, फॉर्मूला आपने वेक्टर वाला लर्न रखना है। इसमें क्या होता है फॉर्मूला, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स डी वेक्टर, ठीक है। वेक्टर में ये इक्वेशन किसकी होती है, लाइन की, आर वेक्टर इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट का पोजिशन प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशोज का वेक्टर। आर वेक्टर
वेक्टर इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट प्लस म्यू टाइम्स डायरेक्शन रेशियो उसका वेक्टर, क्लियर है। तो जब इस तरह से दो लाइंस की इक्वेशन होंगी तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला लर्न रखना है कि दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये कहता है सी माइनस ए वैक्टर, यानी पासिंग पॉइंट वालों को माइनस कर दो, डॉट जो ये आपके डायरेक्शन रेशोज वाले वेक्टर हैं इनको क्रॉस कर दो बी क्रॉस डी, और अपॉन में क्या कर दो बी क्रॉस डी का ही मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगी मोड वैल्यू, क्लियर सिंपल। सी और ए आपके पासिंग पॉइंट हैं, बी और डी आपके डायरेक्शन रेशोज वाले वेक्टर हैं, तो वो तो हम यहाँ से देख के भी बना सकते हैं, बट मेक श्योर मैंने आपको कहा था हमेशा डायरेक्शन रेशो अगर लाइन की देख रहे हो ना कहीं पर भी यूज़ करने के लिए तो एक्स वाई जेड के कोफिशेंट का प्लस वन होना ज़रूरी है। तो एक्स प्लस वाई मतलब एक्स भी वाई वाई जेड, तो एक्स वाई जेड दोनों इक्वेशन में प्लस वन चल रहे हैं, तो मैं अगर सीधा कहूँ ए वैक्टर माइनस में जो कोऑर्डिनेट्स हो रहे हैं वो ए वैक्टर बनाएंगे, यानी थ्री एट और थ्री, तो ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट लिख रही हूँ 383। एग्जाम में आपने आई जे के कुछ नहीं लगाना, सिंपल ऐसे काम करना जल्दी होगा। और इसका देखो 3 माइनस 1 और 1 यानी बी वेक्टर पोजीशन मतलब डायरेक्शन रेशियो नीचे होती है ना, तो 3 माइनस 1 और 1 इधर आ जाओ, सी वेक्टर नीचे वाली लाइन में माइनस 3, माइनस 3 क्यों लिखा क्योंकि एक्स माइनस ऑफ माइनस समथिंग होगा तो माइनस 3, y माइनस इंटू माइनस 7, माइनस के उधर जो नंबर होगा वो आपने पॉइंट में उठाना है, तो ये होगा पॉइंट आपका माइनस 7 और 6, ये पासिंग पॉइंट बन रहा है इसका, और इसी लाइन का डायरेक्शन रेशोज वाला वेक्टर मैंने d ले लिया माइनस 3 2 और 4, क्लियर। अब फॉर्मूले में चाहिए आपको c माइनस a, तो c माइनस a यहाँ कर दो माइनस 6 15 और 3 डायरेक्ट कर दो, और यहाँ से क्या चाहिए आपको b क्रॉस d, b क्रॉस d सबको पता है डिटर्मिनेंट आई जे के, पहले b है तो b के कंपोनेंट 3 माइनस 1 1, फिर d है तो माइनस 3 2 और 4, ठीक है। अब आप इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए b क्रॉस d को, अब ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है, आपको PDF भेज दूँगी, ये सॉल्व किए हुए मैंने क्वेश्चन। b क्रॉस d जो है ये आ रहा है माइनस 6 आई माइनस 15 जे प्लस 3 के, ठीक है। अच्छा एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगी, कैलकुलेशन मेरी 100% मत समझना कि एक्यूरेट गई होगी क्योंकि बहुत जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ये अपनी मतलब क्रॉस चेक ज़रूर करना, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करना, अगर कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक हो तो उसको मुझे मैसेज ज़रूर कर देना कि मैम हमारा ये आंसर इस तरह से मैच नहीं हो रहा, बट मेक श्योर कि आप अपनी कैलकुलेशन खुद करें, ठीक है। तो बी क्रॉस डी ये आ जाएगा, और बी क्रॉस डी का जो मैग्नीट्यूड है यानी रूट ऑफ समथिंग जो भी आप इसको करोगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट इज़ रूट 270, क्लियर हो गया। नाउ देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी अपॉन में बी क्रॉस डी का मोड मैग्नीट्यूड, तो यहाँ इस वेक्टर की क्योंकि इसके भी कंपोनेंट लिख लो माइनस 6 माइनस 15 और 3, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस हो रही है ना, यानी माइनस 6 को माइनस 6 के साथ करोगे, माइनस 15 को माइनस 15 के साथ, और 3 को 3 के साथ, तो एक तरह से ये देखो भाई सेम ही तो आ रहा है ना, तो जब आप डॉट करोगे कहने का मतलब समझ रहे हो ना, ये बी क्रॉस डी है, यहाँ लिख दूँ अगर मैं बी क्रॉस डी तो वो भी माइनस 6 माइनस 15 और 3 आ रहा है, तो जब हम इस वेक्टर की और इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मतलब क्या हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो स्केयर सम ही तो हो गया ये, तो इसका मतलब ये भी आ जाएगा 6 का स्केयर प्लस माइनस 6 का स्केयर लगा लो या 6 का स्केयर लगा लो माइनस 15 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू रूट ऑफ 270 थी, वो इसी का तो मैग्नीट्यूड था, यानी ये वैल्यू भी कितनी आएगी 270 अपॉन रूट 270, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 270 और इसको करेंगे तो भाई 10 इंटू में 9 3 9 इंटू 30, ठीक है, और 9 का रूट 3 बाहर आ गया 30 एंड दैट इज़ द आंसर, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ डन, क्लियर हो गया क्वेश्चन, तो मेन कुछ नहीं था इसमें, एक फार्मूला यूज़ करना है
दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो C माइनस A पासिंग पॉइंट डॉट B क्रॉस D. मेक श्योर कि आपकी ये जो B और D है ये अलग अलग वेक्टर हैं. सेम वेक्टर हो गए तो आप क्रॉस लोगे तो वो जीरो हो जाएगा. पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं है ये. पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला अलग होता है, वो मैंने लिखवाया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एंड देन सॉल्व. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन अ प्लेन इज गिवन. ठीक है, मिरर इमेज गिवन है प्लेन के अंदर किसी पॉइंट 1, 2, 3 की. अब आपको ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा पॉइंट उस प्लेन के अंदर लाई करेगा जिस प्लेन के अंदर आपको मिरर इमेज गिवन है. ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर हमें प्लेन की इक्वेशन पता है तो हम चारों ऑप्शन को 1 by 1 प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे. जो सेटिस्फाई कर देगा वो प्लेन के अंदर लाई करेगा और जो नहीं करेगा वो नहीं करेगा. ठीक है भाई, तो ये पॉइंट हमें चेक करने हैं कि कौन सा पॉइंट इन चारों में से कौन सा पॉइंट प्लेन की इक्वेशन में लाई करेगा, यानी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो दैट मीन्स क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने लाई करने वाला पॉइंट निकालना है. एग्जामिनर का मेन क्वेश्चन ये था कि बच्चा प्लेन की इक्वेशन बता दे. प्लेन की क्या बता दे? इक्वेशन. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल दो, पॉइंट्स उठा के इसमें चेक कर लो, जो सेटिस्फाई करेगा दैट इज द ऑप्शन, दैट इज द आंसर. ठीक है, अब प्लेन कैसे निकालें? प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए उसने क्या दिया? एक पॉइंट है 1, 2, 3 और ये है आपका प्लेन, और इस पॉइंट की इमेज देख रहे हैं जो कि मान लो ये पॉइंट आ रही है जो है -7/3, -4/3 और -1/3. क्लियर? मान लो ये ए है और ये आपका बी पॉइंट है. तो ए पॉइंट की इमेज आपको गिवन है. अब एक बात समझो, ये सी पॉइंट है कोई. पहली बात तो ये होती है कि जब आपको इमेज गिवन होगी ना, तो मैंने आपको बताया था ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है जो प्लेन के ऊपर होता है ये आपका मिड पॉइंट होता है. क्योंकि इमेज की ये खास बात होती है कि जिस भी चीज़ में तुम इमेज देख रहे हो तो इमेज का मतलब है जितना वो पॉइंट उस प्लेटफॉर्म से ऊपर है उतना ही उसकी इमेज उससे नीचे होगी. तो AC डिस्टेंस और CB डिस्टेंस इक्वल होंगे, यानी C जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका? AB का. ठीक है, मिड पॉइंट किसका होगा? AB लाइन का. अब दूसरी बात, मुझे प्लेन की इक्वेशन पता करनी है, तो प्लेन की इक्वेशन पता करने के लिए मुझे एक तो इसका पासिंग पॉइंट चाहिए और एक मुझे क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन. ठीक है, क्यों चाहिए? क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, a इंटू x माइनस एक्स वन प्लस b इंटू y माइनस वाई वन प्लस c इंटू z माइनस जेड वन दैट इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, यहाँ पे x1, y1, z1, इसको ऐसे ओपन ब्रैकेट में कर देती हूँ, ये आपका पासिंग पॉइंट है और a, b और c जो हैं ये डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन है. ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल टू द प्लेन. अब सुनो भाई, पासिंग पॉइंट तो भाई यही होगा ना, c फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो अगर मैं इसका और इसका मिड पॉइंट निकाल दूं तो पासिंग पॉइंट मिल गया मुझे, प्लेन के अंदर लाई कर रहा है. ठीक है, अब दूसरा, चलो ये तो हर्डल पार हो गया इजी, ये पासिंग पॉइंट कौन आएगा? c यानी तुम्हारा जो मिड पॉइंट है ये तुम्हारा पासिंग पॉइंट हो गया. फिगर से ही पता चल रहा है. ABC डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन चाहिए. अब कौन किसको नहीं दिखाई दे रहा कि AB जो लाइन है वो प्लेन के ऊपर नॉर्मल है? सबको दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो मैं AB से डायरेक्शन रेशो निकाल लेती हूँ. और आपको पता है अगर A पॉइंट गिवन हो और B पॉइंट गिवन हो तो डायरेक्शन रेशो क्या कहती हैं? X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1. तो डायरेक्शन रेशोज भी आ जाएंगी -7/3, -1, -4/3, -2, -1/3, -3. ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए. 3 ऊपर -10/3, -10/3, -10/3.
कैंसिल कर दो, वन वन और वन रेशियोज हैं, माइनस हो जाएगा। तो वन 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 इसकी डायरेक्शन रेशियोज आ गई, और मिड पॉइंट निकाल दो वो इसका क्या आ जाएगा, पासिंग पॉइंट। ठीक है, मार्कर, हाँ जी, तो देखिए ये इसका आ गया डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज तो पता चल गई, वन वन वन। अब मैं निकाल रही हूँ सी पॉइंट, जो कि ए और बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, वन प्लस माइनस सेवन बाई थ्री डिवाइड में टू, और टू प्लस माइनस फोर बाई थ्री डिवाइड बाई टू, और थ्री प्लस माइनस वन बाई थ्री डिवाइड बाई टू। इसको सॉल्व कर लो, थ्री आपका ऊपर, सेवन माइनस थ्री फोर हो जाएगा, माइनस फोर डिवाइड बाई टू माइनस टू, टू डिवाइड बाई टू वन, दो चुके आठ, और डिवाइड में आपका क्या आएगा, डिवाइड में आपका थ्री और थ्री और थ्री। ठीक है, तो आई थिंक यही आ रहा है आपका, माइनस टू बाई थ्री, वन बाई थ्री और फोर बाई थ्री। तो ये पासिंग पॉइंट और ये क्या होगी, डायरेक्शन रेशियोज। तो अब इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया ए यानी वन, एक्स माइनस एक्स वन यानी ये पासिंग पॉइंट, तो प्लस टू बाई थ्री, बी की वैल्यू फिर वन ये वाली, क्योंकि ये आपको पता है ए बी सी आ गए हैं, और ये क्या आए हैं, एक्स वन वाई वन और जेड वन। तो जस्ट वैल्यू पुट करनी है, वाई माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, जेड माइनस, जेड वन कितना है, फोर बाई थ्री, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हमें तो पॉइंट चेक करने हैं ना। तो अब अपना पॉइंट देख लो, कोई भी पुट करके, वन माइनस वन वन कर दिया, या इसको सॉल्व करना चाहते हो और सॉल्व कर लो, थ्री एक्स प्लस टू प्लस थ्री वाई माइनस वन प्लस थ्री जेड माइनस फोर, दैट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आ रहा है थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड माइनस थ्री, दैट इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये बन रहा है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब अपने ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका वन माइनस वन और वन, कहाँ है भाई, ये फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, सेटिस्फाई करके देखो, वन माइनस वन और वन माइनस वन, तो ये वन से वन कैंसिल, वन से वन, दैट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब वन माइनस वन और वन, ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो एग्जामिनर का क्वेश्चन देखा पुट करना, उसने आपसे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकलवानी थी और कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब हर बार वो क्या करता था एग्जामिनर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज इन द प्लेन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एंड अ प्लेन, ये सब देखे बोर हो गया। तो उसने सोचा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दो, काम वही है इक्वेशन ऑफ प्लेन। 3D में पढ़ क्या रहे हो, यही चीज़ें तो पढ़ रहे हो, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस। अब डिस्टेंस किसके बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में, दो लाइंस के बीच में, दो प्लेन्स के बीच में, पॉइंट और लाइन के बीच में, पॉइंट और प्लेन के बीच में। अगर आपको माइंड में ये सब लिस्ट है ना, तो इसका मतलब आपका 3D कंप्लीट है। तो मेक श्योर आप डिस्टेंस वर्ड पे तीन फॉर्मूले बनाओ, बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू लाइंस, लाइंस पैरेलल, लाइंस स्क्यू, कैटेगरी वाइज, बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, प्लेन्स पैरेलल और प्लेन्स नॉन पैरेलल। तो उसके बाद उसमें देखो फॉर्मूले में क्या वैरायटी है, फिर इमेज, इमेज किसी पॉइंट की लाइन के अंदर, इमेज प्लेन के अंदर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का, फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर। ठीक है भाई, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन इट पासिस थ्रू वन पॉइंट and have direction ratios, when it passes through three points, these are very important. ठीक है, तो बस इससे बाहर 3D में कुछ नहीं है, घुमा फिरा के सब यही करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन दिस 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 एंड दिस। क्वेश्चन को समझो, एक पॉइंट फ्रॉम यानी फोर टू थ्री, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया
और ये जो आपका फुट आया है परपेंडिकुलर, ये एक लाइन के ऊपर लाई करेगा, जो लाइन इस और इस पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रही है। यानी अगर ए मैं इसका नाम रखूं तो 1-2-3 और बी पॉइंट है 1-1 और 0। ठीक है, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है यानी ये जो डी पॉइंट है, मान लो ये आपका पी है, पी क्यू कह दो इसको, ठीक है, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है जिसका नाम क्यू है, ये क्यू पॉइंट प्लेन के अंदर लाई करेगा, कौन से प्लेन के अंदर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्लेन में लाई करेगा या इस प्लेन में। तो अब आप समझ गए हो कि पहले हम क्या करेंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। इक्वेशन को ना एक मैथमेटिकली वो दे दिया करो, कहते ना एक पिक्चराइजेशन कर दी, ठीक है, एक रफ ग्राफ बना दिया, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने एक्चुअल में निकालना क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ी, जो जो समझ आ रहा है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात हो रही है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर है, क्योंकि क्वेश्चन में कहाँ गिवन है भाई, टू द लाइन, लाइन गिवन है तो प्लेन क्यों बनाएंगे हम इस क्वेश्चन में, तो ये हमने लाइन बना दी, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये बताया भाई ये किसके ऊपर लाई करेगा, तो सिंपल सी यही बात है भाई, तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। अब वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं डाल रहा, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर पुराना स्टाइल हो गया, उसने क्या करा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो और एक प्लेन की इक्वेशन बना दी। अब बताओ ये पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो तुम्हारा आंसर होगा। तो काम तो मेन इसी को निकालने का है ना, और इसको निकालने के तो तरीके आपको पता ही है। क्या करते थे आप लोग, ए बी की इक्वेशन बना दो, किसकी इक्वेशन बना दो, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी यानी लाइन की इक्वेशन में जो जर्नल पॉइंट होगा वो तुम्हारा कौन होगा, क्यू। ठीक है, पी क्यू लाइन ए बी पे परपेंडिकुलर है तो पी क्यू की डायरेक्शन रेशियो और ए बी के डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट इक्वल टू क्या चलेगी, जीरो। ये दो स्टेप आपने यूज़ करने हैं। पहला स्टेप क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई, उसके ऊपर जर्नल पॉइंट निकाल दो और उसका नाम क्या रख दो, क्यू। दूसरा, पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए डायरेक्शन रेशोज ऑफ पी क्यू डॉट विद डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी इक्वल टू क्या डाल दो, जीरो। तो ये है आपका मेथड टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। ठीक है भाई, अब मैं बनाने जा रही हूँ इक्वेशन ऑफ ए बी। ए बी की इक्वेशन कैसे निकलती है, एक्स माइनस, जब आपको दो पॉइंट गिवन हो तो इक्वेशन कैसे निकालते हो, एक पॉइंट को माइनस करते हो, डिवाइड में इनकी डायरेक्शन रेशोज, तो एक्स माइनस वन अपॉन में 1-1, वाई माइनस माइनस यानी वाई प्लस टू अपॉन में 1-+2, जेड माइनस थ्री अपॉन में 0-3, और बाद में मैं बताऊंगी पॉइंट कैसे निकला, एक्स माइनस वन अपॉन 0, वाई प्लस टू अपॉन में 3 और जेड माइनस थ्री अपॉन -3, दैट इज इक्वल टू लेमडा। ये आपने कह दिया, लेमडा क्यों कहा, क्योंकि मुझे लाइन के ऊपर जर्नल पॉइंट चाहिए। प्रोसीजर समझ आ रहा है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का प्रोसीजर है ये। तो जिस लाइन के ऊपर निकालना है उस लाइन की इक्वेशन बना दी, सही बनाइए, एक्स माइनस वन अपॉन 1-1, 1-+2 3, 0-3 3। ठीक है भाई, अब x की वैल्यू आ जाएगी, 0 को इधर मल्टीप्लाई, लेमडा इक्वल टू 1, तो यहाँ से x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 लेमडा -2 और z इज इक्वल टू -3 लेमडा +3। तो ये जो पॉइंट है ना कोऑर्डिनेट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट लिख रही हूँ q के, कौन कौन से आगे, 1, 3 लेमडा -2 और -3 लेमडा +3। ठीक है, चलो बाकी को रब कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ तक ये डन हो गया इक्वेशन ऑफ ए बी का। बस यही काम था कि जर्नल पॉइंट क्यों चाहिए, जर्नल पॉइंट क्यों मिल गया, अब ये स्टेप ओवर। अगला स्टेप क्या है, पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी पे, डायरेक्शन रेशोज की प्रोडक्ट करनी है। भाई पी क्यू की डायरेक्शन रेशोज मतलब ये जो मेरा सिंबल है ना, ये इसकी डायरेक्शन रेशो को बता रहा है, तो 1-4 कॉमा 3 लैम्डा -2-2, ये तो पता ही है, दो पॉइंट गिवन हो तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकलेगी, -3 लैम्डा +3 -3 और यहाँ से आ जाएगा -3 3 लैम्डा -4 -3 लैम्डा। ठीक है, और ये ए बी की डायरेक्शन रेशो लिख रही हूँ यहाँ पे,
वन माइनस वन ज़ीरो, वन माइनस टू यहाँ पे थ्री हो गया और ये माइनस थ्री हो गया. अब इनके प्रोडक्ट दैट इक्वल टू ज़ीरो, तो इन दोनों से रिजल्ट आया दिस मल्टीप्लाई ज़ीरो, तीन तीन नौ बारह प्लस तीन तीन नौ लेमडा दैट इक्वल टू ज़ीरो. टू बाय थ्री, ठीक है भाई. तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, टू बाय थ्री. लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पॉइंट आ जाएगा आपका. और पॉइंट मैं आपको देख के बता दूँ क्या आ गया था. यहाँ पॉइंट आपका आ रहा है इसमें, वेयर इज़ द क्वेश्चन, एक सेकेंड, पॉइंट आपका आ रहा है 101, ठीक है. लेमडा आपका 123 आ गया ना. अब ये लेमडा कहाँ पुट करोगे, इसके अंदर. तो Q पॉइंट के जो आपके कोऑर्डिनेट हैं 101 आ गया, ठीक है. अब मुझे बता दो भाई, अब ये 101 फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, काम यहीं तक हुआ है, ये किस किस में लाई करेगा. 101 पुट करके देखो, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 1 1, 1 इज इक्वल टू 1. तो पहले में सेटिस्फाई हो गया ना, बाकियों को चेक कर लेना, इनमें सेटिस्फाई नहीं होगा. तो आपका ऑप्शन क्या है, दैट इज़ द आंसर, ऑप्शन ए इज़ द आंसर. 101 इसमें पुट करके देखो, 10 ये 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, तो ये माइनस 1 आएगा, माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता. 101 करेंगे तो 2 इक्वल टू 1 आएगा, 101 करेंगे तो 0 इक्वल टू 1 आएगा, तो बाकी का कोई ऑप्शन आपका नहीं है, ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है बच्चे, तो ये है कुछ आपके क्वेश्चंस. बाकी क्वेश्चंस की ना मैं सॉल्यूशन बना के पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, वीडियो के साथ ही आपको ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है. अगर उसमें से भी आपका कोई क्वेश्चन ऐसा रह जाए जो आपको क्लियर ना हुआ हो, तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर देना, नेक्स्ट वीडियो में वो आपको करवा दूँगी, ठीक है बच्चे. तो आज की वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूँगी 3D के ही, ठीक है. तो तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, थैंक यू सो मच.